हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जनसेवा के एनवारसी में। दोस्तों बात करेंगे, IBPS ने 2023 के लिए रिक्रूटमेंट निकाली है वारियर्स पोस्ट के लिए। दोस्तों मोबाइल से फॉर्म को कैसे फिलअप करना है इस प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। उसके पहले कुछ जरूरी बिंदु पर ध्यान देंगे, जैसे कि फ़ीस की बात करें तो जनरल OBC का 850 रुपये फ़ीस है, SC ST और जो दिव्यांग कैंडिडेट हैं 175 रुपये फ़ीस है। यहाँ देखेंगे एप्लीकेशन जो है आपका 1/6/2023 यानी कि 1 जून से निकाल दी गई है और इसकी लास्ट डेट अप्लाई का है 21 जून 2023। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे कई सारे वारियर्स पोस्ट है, जैसे कि ऑफिस असिस्टेंट का पोस्ट है, इसमें पोस्ट में 5538 टोटल पोस्ट है और साथ में बैचलर डिग्री आपका होना चाहिए। इसकी जो एलिजिबिलिटी है, किसी भी स्ट्रीम से आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए, चाहे आप BSc हो, BA हैं, BCom हो, चाहे जो भी हो। उसी प्रकार से देखेंगे ऑफिस स्केल फर्स्ट में 2485 पोस्ट है, इसमें भी बैचलर डिग्री आपका मांगा है चाहे किसी भी स्ट्रीम से। नीचे देखेंगे कई सारे वारियर्स पोस्ट यहाँ दिया गया है, इसको आप पढ़ सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हम नोटिफिकेशन इसका पढ़ चुके हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप जो है अप्लाई करके दिखाते हैं कैसे फॉर्म को फिलअप करना है, क्योंकि प्रैक्टिकल रूप से देखेंगे आप तो काफ़ी समझ में आएगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन है, ऑफिस असिस्टेंट में पोस्ट पे भर के दिखाऊंगा, तो ऑफिस असिस्टेंट पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार से इंटरफेस दिखाई देगा दोस्तों। यदि आप मोबाइल से करते हैं तो यहाँ देखेंगे क्रोम ब्राउज़र में 3 डॉट दिखेगा, 3 डॉट पर सिंपल क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे, नीचे बढ़ेंगे, यहाँ डेस्कटॉप साइट दिख जाएगा, डेस्कटॉप साइट पर कर देंगे। करने के बाद कुछ इस प्रकार से आपका जो है पेज दिखाई देने लगेगा दोस्तों। फॉर्म फिलअप से पहले यदि जिस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके 1 सब्सक्राइब से मुझे काफ़ी खुशी मिलती है। और दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए और ताकि शेयर भी कर लीजिए, क्योंकि मैं बहुत जल्द ही अपना हेल्पलाइन नंबर भी जारी करने वाला हूँ, ताकि आप लोग को कोई भी समस्या हो डायरेक्ट आप मुझसे बात कर सकते हैं। और यदि कुछ नहीं होता है आपसे, जैसे फिलअप में कोई समस्या होती है तो मेरे द्वारा फिल कर दिया जाएगा उसको। दोस्तों ज़रूरी चीज़ ये है कि जब भी आप मोबाइल से फॉर्म को फिलअप करिएगा, मोबाइल को खड़े कभी मत रखिएगा, नहीं तो ये वेबसाइट नहीं खुलेगा। हमेशा लैंडस्केप मोड में ही ये मोबाइल में खुलेगा, जैसे आप गेम खेलते हैं मोबाइल में उसी प्रकार से इसको फॉर्म को भी मोबाइल को करके फिलअप करिएगा, ऑटो रोटेट करके, तभी आप फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, हम यहाँ पे देखेंगे, पहले सबसे पहले हमको क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन यहाँ देखेंगे, इस पर सिंपल क्लिक कर देना होगा। क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार से आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन पेज खुल के आएगा। यहाँ देखेंगे फर्स्ट नेम का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ अपना फर्स्ट नेम डाल देंगे। उसके बाद यहाँ कंफर्म फर्स्ट नेम में अपना दोबारा से फर्स्ट नेम डाल देंगे, मिडिल नेम कोई है तो मिडिल नेम डालेंगे, कंफर्म मिडिल नेम में कोई मिडिल नेम है तो उसको डाल देंगे, जैसे कुमार लिखते हो, प्रताप लिखते हो। लास्ट नेम आपका जैसे सिंह हो गया, पांडे हो गया, पटेल हो गया, उसको लिख देंगे। और यहाँ पर कंफर्म लास्ट नेम में फिर से दोबारा से कंफर्म लास्ट नेम लिख देंगे। उसके बाद यहाँ दोस्तों फुल नेम जो है ऑटोमेटिक आपका फिल होकर आ जाएगा। यहाँ देखेंगे मोबाइल नंबर का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल कर देंगे, कंफर्म मोबाइल नंबर में दोबारा से मोबाइल नंबर को फिल कर देंगे। अल्टरनेटिव नंबर कोई दूसरा नंबर है तो आप दे सकते हैं, अन्यथा इसको छोड़ सकते हैं। नीचे बढ़ेंगे, यहाँ ईमेल आईडी का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे ईमेल आईडी दे देंगे, कंफर्म ईमेल आईडी में दोबारा से अपना ईमेल आईडी को फिल कर देंगे। उसके बाद इस कैप्चा को यहाँ फिल कर देंगे, 82B H3 जो करके दिया हुआ है, उसको फिल करने के बाद दोस्तों कहाँ दिया हुआ है कुछ है कहीं, यहाँ सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर सिंपल आप क्लिक कर देंगे। ईमेल आईडी दोस्तों डालते समय, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ ईमेल आईडी कैसे डालना है, यहाँ पे जैसे मैं अपना ईमेल आईडी डालता हूँ, यहाँ देखेंगे अपना बस इतना आप जो है ईमेल आईडी डाल देंगे। उसके बाद यहाँ देखेंगे एड्रेस पहले से लिखा हुआ है, यहाँ से डोमेन नेम में आप सेलेक्ट कर लेंगे, आप जीमेल हैं, हॉटमेल पे हैं, रेडिफ मेल पे हैं, जिस पे हैं उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे देखिए मैं यहाँ सेलेक्ट किया हूँ, इसी प्रकार से रहेगा। ठीक है दोस्तों, अपना हम फिलअप करते हैं, उसके बाद जो है आगे का प्रोसेस आपको दिखाते हैं। यहाँ दोस्तों अपने डिटेल को हम फिल करेंगे, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ऐसा पॉपअप आएगा, ओके कर देंगे, इस प्रकार से पेज लोड लेगा, स्टेप बाय स्टेप दोस्तों आपको करके दिखाएंगे हम। उसके बाद देखिए आप आ जाएंगे यहाँ पर, देखेंगे आपको योर प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर और योर पासवर्ड, ये जितना आपको पासवर्ड मिल जाएगा। यहाँ देखिए मैसेज भी आ गया हमारे पे, आपके मैसेज पे भी चला जाएगा। यहाँ से आपको देखिए फ़ोटो अपना चूज़ कर लेना है और यहाँ से अपना सिग्नेचर चूज़ कर लेना है।
फोटो के लिए दोस्तों यहाँ पर दिया है 4.5 सेमी गुणे 3.5 सेमी का रहेगा। इसमें मैं वीडियो बना चुका हूँ पहले से कि मोबाइल के माध्यम से फ़ोटो रिसाइज कैसे करना है, तो आप चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक दोस्तों, अपना हम फोटो सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करते हैं। यहाँ दोस्तों अपना हम फोटो अपलोड कर लिए। फ़ोटो की जो साइज़ रहेगी आपका 20 से 50 KB के बीच का रहेगा, सिग्नेचर आपका 10 से लेकर 20 KB के बीच का रहेगा। दोस्तों फोटो जो है पीछे का बैकग्राउंड हमारा नीला दिख रहा है, लेकिन बैकग्राउंड जो है इसमें वाइट मांगा गया है, आप वाइट बैकग्राउंड लगाइएगा पीछे, वही फ़ोटो लगेगा। इसमें हम नीला लगाए हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करेंगे तो आपका कुछ इस प्रकार से अगला ऑप्शन दोस्तों आपको डिटेल्स का मिल जाएगा। डिटेल्स में यहाँ देखेंगे कैटेगरी का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आप SC हैं, ST हैं, जनरल हैं, उसको चूज़ करेंगे। यहाँ से पॉपअप आएगा, ओके कर देंगे। चूज़ करने के बाद आर यू पर्सन विद बेंच मार्क डिसेबिलिटी, यदि आपके पास दिव्यांगता है तो यस या नो में जवाब देंगे आप। उसके बाद नीचे बढ़ेंगे, ये सब हाइट कर दीजिएगा आप नो, जब नो चूज़ करेंगे तो। आर यू यहाँ पे दिया है दिव्यांगता को लेके, आर यू पर्सन विद स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी में यहाँ पे नो कर देंगे आप, यदि हैं डिसेबिलिटी हैं तो यस कर देंगे। उसके बाद देखेंगे नीचे का नो करने के बाद और सब हाइट कर देगा। उसके बाद दिया है आर यू चाइल्ड फैमिली मेम्बर ऑफ दोज हु डाइड इन 1984, जो 84 में दंगा से आप रिलेटेड हैं आपके फैमिली मेम्बर, तो यस या नो में जवाब देंगे। उसके बाद रिलीजियस टू विच यू बिलोंग, यहाँ पे आपका जो भी रिलीजियस है उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे, बुद्ध हैं, बुद्धिस्ट हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, ईसाई हैं, जो भी हैं। उसके बाद डू यू बिलोंग टू रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी, आप अल्पसंख्यक वर्ग से आते हैं तो यस या नो में जवाब देंगे। आर यू एक्स सर्विस मैन, आपको रिटायर्ड पर्सन है मिलिट्री से, तो यस या नो में जवाब देंगे। आर यू डिसेबिलिटी एक्स सर्विस मैन DXS, यदि आप जो है डिसेबल हुए हैं एक्स सर्विस मैन से, तो यस नो में इसमें जवाब देंगे। उसके बाद नीचे पढ़ेंगे, ये सब हाइट किया हुआ है। आर यू डिपेंडेंट ऑफ सर्विस मैन किल्ड एट एक्शंस, तो इसमें भी यस या नो में आप जवाब देंगे। जैसे आप किसी सर्विस मैन एक्शन में डिपेंडेंट हैं तो। उसके बाद आर यू मैट्रिकुलेट एक्स सर्विस मैन हु हैज़ ऑब्टेंड आर्मी स्पेशल सर्टिफिकेट एजुकेशन, और यहाँ पे देखेंगे इसको हाइड किया हुआ है, इसको छोड़ देना है। उसके बाद आर यू सीकिंग एज रिलेक्शन अंडर विंडो डाइवोर्स, या डाइवोर्स व्यक्ति आप हैं, तो यस नो में इसमें जवाब देंगे। उसके बाद आर यू अपीयरिंग द CWE CRP RRB ईयर, यदि आप जो है इसमें पहले से फॉर्म फिलअप कर चुके हैं, एग्जाम में बैठ चुके हैं, तो यहाँ पे यस या नो में जवाब देंगे। यस आप चूज़ करेंगे तो यहाँ देखेंगे सेलेक्ट CWE, यहाँ से आप अपना सेलेक्ट करेंगे किस एग्ज़ाम में आप इसमें बैठे थे RRB ये IBPS के, उसको आप टिक करके सेलेक्ट कर लेंगे। नहीं तो आपको याद नहीं है तो आप यहाँ पे नो कर देंगे, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, वैसे आप नो ही कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे नेशनलिटी में, आप यहाँ से अपना इंडियन चूज़ कर लेंगे। स्टेट फॉर विच यू वांट टू अप्लाई फॉर, यहाँ से किस स्टेट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उस स्टेट को चूज़ कर लेंगे। उसके बाद सेंटर ऑफ प्रीलिम एग्जामिनेशन, आप जो प्री एग्ज़ाम लेंगे वो सेंटर कौन सा चूज़ करेंगे, जो आपका नज़दीकी सेंटर होगा उसको चूज़ कर लीजिएगा। सेंटर ऑफ मेंस एग्ज़ाम, मेंस एग्ज़ाम के लिए आप किसको चूज़ करेंगे उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आई इंटेंड टू बिंग द फॉलोइंग ID व्हेन द अपीयरिंग फॉर एग्जामिनेशन, इस पर चेकबॉक्स पर टिक करेंगे, तो यहाँ से अपना ID प्रूफ आप सिलेक्ट कर लेंगे, कौन सा आप ID प्रूफ देना चाहते हैं। आधार कार्ड को सिलेक्ट करेंगे, आपके पास जो होगा उसको सिलेक्ट कीजिएगा, यहाँ से ID प्रूफ नंबर को यहाँ पे भर देंगे। ID प्रूफ नंबर भरने के बाद दोस्तों नीचे बढ़ेंगे, यहाँ पे काइंडली इंडिकेट मीडियम ऑफ द पेपर हाउ यू लाइक द पेपर टू बी प्रेजेंट टू यू, इस पर सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे, इंग्लिश एंड हिंदी, इंग्लिश एंड उर्दू, तो आप जो भी सही लगेगा उसको सिलेक्ट कर लेंगे, इंग्लिश एंड हिंदी। उसके बाद यहाँ देखेंगे डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से अपना डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे जेंडर चूज़ करने का ऑप्शन मिलेगा, मेल है फीमेल है उसको चूज़ कर लेंगे। यहाँ पे आधार कार्ड नंबर दोबारा से अपना फिल कर देंगे, और यहाँ पे पैन कार्ड नंबर को फिल कर देंगे। उसके बाद नीचे पढ़ेंगे डू यू हैव ट्विन ब्रदर सिस्टर, आप जुड़वा भाई बहन हैं, तो यस नो में जवाब देंगे। जेंडर ऑफ द ट्विन, यहाँ पे देखिए हाइट कर दिया है, नो करेंगे तो। उसके बाद नीचे बढ़ेंगे, यहाँ पे मेरिटल स्टेटस में पूछा है आप शादीशुदा हैं, अनमैरिड हैं, मैरिड हैं, उसको चूज़ कर लेंगे। उसके बाद यहाँ लिखेंगे फादर्स नेम में पिताजी का नाम डाल देंगे,
यहाँ मदर्स नेम में माता जी का नाम, स्पाउस नेम आपका यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद एड्रेस फॉर कॉन्फिडेंस में यहाँ पे एड्रेस अपना फिल कर देंगे, विलेज का नाम यहाँ पे, एड्रेस टू में पोस्ट का नाम, यहाँ पे एड्रेस थ्री में यदि आप कोई ब्लॉक थाना वगैरह लिखते हैं तो उसको लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख देंगे, यहाँ से स्टेट आप चूज़ कर लेंगे, किस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उसको चूज़ कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे पिन कोड अपना फिल कर देंगे। पिन कोड फिल करने के बाद दोस्तों यहाँ पे चेक बॉक्स पे टिक करेंगे तो जितना भी ऊपर आप पता भरे हैं सब इसमें ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ देखेंगे आपका फीस दिख जाएगा आपके कैटेगरी के अनुसार। यहाँ पे वैलिडेट टू डिटेल्स पे क्लिक करके चेक कर लेंगे। जैसे ही आप वैलिडेट पे क्लिक करेंगे तो आपको ये डिटेल्स दिखा देगा, कहीं गड़बड़ी होगा तो वहाँ रेड कलर में दिखा देगा ये गड़बड़ी है, उसको आप सही कर लेंगे। उसके बाद सेवन नेक्स्ट कर लेंगे। यहाँ दोस्तों अपने डिटेल को हम फिल कर लिए हैं। यहाँ पे एक हम भूल गए थे, यहाँ लिखेंगे चूज़ द एड्रेस फॉर GST, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप परमानेंट एड्रेस को चूज़ कर लेंगे। उसके बाद वैलिडेट योर डिटेल्स पे क्लिक कर देंगे, क्लिक करते ही वेरीफाइड सक्सेसफुली का पॉपअप आएगा, ओके करेंगे, सेवन नेक्स्ट पे क्लिक करके आप आगे बढ़ जाएंगे। सेवन नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे बढ़ते ही आपका जो है यहाँ पे देखिए आ जाएगा। यहाँ प्रेफरेंस में देखेंगे आपको जो है अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स को फिल करना होगा। यहाँ पहला आपको ऑप्शन मिलेगा ग्रेजुएशन रिक्वायरमेंट में, यहाँ पे क्लिक करेंगे। आर्ट्स है, साइंस है, कॉमर्स है, आपका ग्रेजुएशन जिससे भी स्ट्रीम्स होगा उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद डेट ऑफ पासिंग में यहाँ से अपना डेट चूज़ कर लेंगे, किस डेट को आपका रिजल्ट जारी की गई है, यहाँ पे कितना परसेंट पाए हैं आप उसको फिल कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे क्लास एंड ग्रेड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से फर्स्ट क्लास हैं, सेकंड क्लास हैं या पास क्लास हैं, जो भी होगा उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ दिया है पोस्ट ग्रेजुएशन, यदि आप पोस्ट ग्रेजुएशन हैं तो उसके बारे में डिटेल्स देंगे। प्रोफेशनल कोई क्वालिफिकेशन है तो उसका डिटेल देंगे, अदर्स में कोई है तो उसका डिटेल दे देंगे, उसी प्रकार सब में दे देंगे। उसके बाद दोस्तों अगला ऑप्शन आपको मिलेगा डू यू हैव कंप्यूटर नॉलेज, तो आप यस कर देंगे। यस करेंगे यहाँ पे आपके पास जो भी डिग्री होगी कंप्यूटर संबंधी उसको लिख देंगे। यदि आपके पास सिर्फ CCC है तो CCC को लिख सकते हैं, कोई DCA वगैरह है तो उसको भी लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ देंगे वेदर लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज में आप जो भी लैंग्वेज को जानते हैं यहाँ पे यस करेंगे तो यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, हिंदी जानते हैं, उर्दू या संस्कृत, यस यहाँ पे ओके कर देंगे सिलेक्ट करके। उसके बाद यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा है, कोई एक्सपीरियंस आपके पास है तो यस या नो में जवाब देंगे। उसके बाद नीचे बढ़ जाएंगे, यहाँ दिया हुआ है फॉर द सेफ्टी द विल बींग ऑफ द कैंडिडेट प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग, जो SC ST OBC कैंडिडेट हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है एग्ज़ाम से पहले, आप लेना चाहते हैं तो यस या नो में जवाब देंगे। उसके बाद यहाँ से इफ़ यस सेंटर फॉर ट्रेनिंग, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपना जो है ट्रेनिंग सेंटर चूज़ कर लेंगे, कहाँ पे आप करना चाहते हैं। यहाँ देखेंगे वाराणसी नहीं दिया है क्या, वाराणसी है। उसके बाद यहाँ देखेंगे, उसके बाद दोस्तों अगला से आपको ऑप्शन मिल जाएगा वेदर एनी प्रोसिक्यूशन, आपको यदि कोर्ट से कोई दंड मिला है तो यस या नो में जवाब देंगे, आप नो ही कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे लैंग्वेज नो में आप कौन सा लैंग्वेज जानते हैं, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, उसको जो है आप लिख लेंगे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे रीड राइट स्पीक पे क्लिक कर देंगे, इंग लैंग्वेज फिर एक और चूज़ कर लेंगे, जो भी आप लैंग्वेज जानते हैं उसको जो है यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद इस पर भी रीड राइट स्पीक का ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद वैलिडेट योर डिटेल्स पे क्लिक कर देंगे, क्लिक करेंगे वेरीफाइड सक्सेसफुली, सेवन नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करते पेज लोड लेगा, थोड़ा लगता है सर्वर का इशू है। उसके बाद दोस्तों आप आ जाएंगे अगले डिटेल्स पे, यहाँ देखेंगे बैंक प्रिफ्रेंस में आपका प्रिफ्रेंस चूज़ करना है। यहाँ पे देखेंगे आदावत बैंक है, बड़ौदा UP बैंक है, पूर्वांचल प्रथमा UP ग्रामीण बैंक है। आपके उत्तर प्रदेश में जैसे मैं UP चूज़ किया हूँ तो वहाँ पे जितने भी ग्रामीण बैंक है ये तीन बैंक दिखा रहा है। आप जो है सबसे पहले किसको चूज़ करना चाहेंगे उसको टिक कर देंगे, उसके बाद उसको टिक कर देंगे, प्रिफ्रेंस दे देंगे अपना तीनों का, सबसे पहले किस में आप पोस्टेड होना चाहते हैं। उसके बाद नीचे बढ़ेंगे वैलिडेट योर डिटेल्स पर फिर क्लिक करेंगे, पॉपअप आएगा, ओके कर देंगे। उसके बाद सेवन नेक्स्ट करके आगे बढ़ेंगे, सेवन नेक्स्ट करके आगे बढ़ते ही आपका डिटेल जो है प्रीव्यू दिख जाएगा, आप इसको चेक कर लेंगे कहीं से कुछ गलत तो नहीं है, सब चेक कर लेंगे एक बार। आप प्रीव्यू चेक करते हुए दोस्तों नीचे को बढ़ेंगे आप तो यहाँ देखेंगे डिक्लेरेशन में आई एग्री, आई कंफर्म और देयर इज चेंज, सब पे टिक कर देंगे
टिक करने के बाद आप कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही पॉपअप आएगा, ओके कर देंगे। अगला ऑप्शन दोस्तों आपको अपलोडिंग का मिल जाएगा। यहाँ से थंब इम्प्रेशन अपलोड करना है, हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन जो है अपलोड करना है। आपका हैंड राइटिंग जो स्क्रीन पर देखिए दिखाई दे रहा है, इसको आप नोटिफिकेशन में भी देख सकते हैं, नहीं तो आप ये जो स्क्रीन में दिखाई दे रहा है इसी को किसी कॉपी पर लिख लेंगे सफ़ेद पेज पे ब्लैक पेन से। ठीक है दोस्तों, इसको हम अपलोड करते हैं अपना लेफ्ट थंब और हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन। उसके बाद आगे प्रोसेस आपको दिखाते हैं। यहाँ दोस्तों हम लेफ्ट थंब इम्प्रेशन को लगा दिए हैं, हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन को भी लगा दिए हैं। लेफ्ट थंब जो आपका रहेगा वो 20 से लेकर 50 के बीच का रहेगा। हैंड राइटिंग जो डिक्लेरेशन है आपका वो 50 से लेकर 100 के बीच का रहेगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद इस कैप्चा को फिल करके 7 नेक्स्ट करके आगे बढ़ेंगे। इनकरेक्ट सिक्योरिटी कोड बता रहा है, ठीक है। हम दोबारा से फिल करते हैं कोई दूसरा, MGBSW। ठीक है दोस्तों, दोबारा से फिल कर दिए हैं, 7 नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद पॉपअप आएगा, ओके कर देंगे। ओके करने के बाद यहाँ से देखिए फीस का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे कैप्चा को फिर से फिल करके यहाँ से फीस पेमेंट के ऑप्शन पे सबमिट वाले पे क्लिक कर देंगे। क्लिक कर देंगे और पॉपअप आएगा सबमिट का, ओके करेंगे। ये आपको पेमेंट गेटवे पे जो है रिडायरेक्ट करेगा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जब भी आप पेमेंट करते हैं तो पेमेंट के समय जब पेमेंट आपका हो जाता है तो रिडायरेक्ट कभी भी रिफ्रेश वगैरह कभी मत कीजिएगा, नहीं तो पैसा जो है फंसने का चांस 100% रहता है। पेमेंट करने के बाद जैसे ये करता है करने दिया करिए, ये ऑटोमेटिक आपको जो है फॉर्म पर रिडायरेक्ट कर देगा प्रिंट डाउनलोड करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर कई सारे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे पेमेंट का, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, वैलेट, QR कोड, UPI। तो आप चाहें तो जिससे भी कर सकते हैं। यहाँ पे UPI को चूज़ करेंगे तो उसके बाद भीम UPI ऐसे आएगा इसका गेटवे। मेक पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद प्रोसीड विद पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही इस प्रकार से आपका शो होने लगेगा। यहाँ पे देखेंगे स्कैन QR कोड, इस पर क्लिक कर देंगे, इसको स्कैन करके पेमेंट कर देंगे। पेमेंट करने के बाद रिफ्रेश मत कीजिएगा, ये ऑटोमेटिक आपको जो है जो 6 सेकंड का समय लेगा आपको जो है पेमेंट सक्सेसफुल का मैसेज मिल जाएगा। दोस्तों पेमेंट कर देंगे, उसके बाद आपका फॉर्म जो है कंप्लीट हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो अगर समझ में आई होगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यदि दोस्तों कोई समस्या होती है तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम 24 घंटे में जैसे ही आप कमेंट करते हैं वैसे ही मैं कमेंट को पढ़ लेता हूँ, तुरंत रिप्लाई देता हूँ। दोस्तों ठीक है, रखते हैं इसी के साथ, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के धन्यवाद, जय हिंद और बाय।